सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तब कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। और मैं फिलहाल ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं एक प्रॉपर व्लॉग शूट कर रहा हूँ। आज है सैटरडे और फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं कहाँ? पटना के लिए, और पटना से फिर गाँव जाना है। 5 डेज का छुट्टी है तो 18 को मैं वापस आ रहा हूँ। आज है 13 और 14 को सुबह 6 बजे का फ्लाइट है पटना के लिए। अब फिलहाल अभी हम लोग दमन में हैं तो दमन से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो दमन से मुंबई ट्रेन से फिर वहाँ से फ्लाइट। फिलहाल रेडी होके बैठी हुई हैं लवली, एक्साइटेड हैं जाने के लिए। तो जाने का मेन रीज़न ये है कि इनके दादाजी हैं, उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है और देखना ज़रूरी है, और बहुत दिन से गया भी नहीं था हम लोग, तो सोचा कि जाते हैं। ब्लॉग में एंड तक बने रहें, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है ब्लॉग और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे पहले मैं ब्लॉग बनाता था वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप देख ही सकते हो मैं फुल रेडी हूँ, बस निकलने वाला हूँ कि पहले ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। और गाइस मैं आवाज़ तेज करके बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरह से फिट हूँ। मेरे को फीवर हुआ हुआ है, सर्दी है, बट आपको लग नहीं रहा होगा कि सर्दी है और फीवर है। दिस इज टैलेंट ऑफ रियल ब्लॉगर। सो चलते हैं और इंजॉय। बहुत ज़्यादा भारी भी लग रहा है यार बैग। तो फिलहाल अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम लोग भाई पहुंच चुके हैं वापी स्टेशन। और फिलहाल अभी जा रहा हूँ पता करने कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जो हमारा ट्रेन है वो आ रही है। और ये रहा अपना कुछ सामान और मैं अभी शॉर्ट्स में जा रहा हूँ यहाँ से मुंबई, फिर वहाँ चेंज करूँगा। ये कोई तो ट्रेन है, सुपर फास्ट लग रहा है। जैसे ही ट्रेन आया सब लोग उठ गए, क्या स्पीड है भाई। फिलहाल हम लोग बोरीवली पहुँच चुके हैं और ये है कुछ नज़ारा। और यहाँ पर भाई साहब जो बारिश हो रहा है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से ही हो रहा है क्या बारिश इधर? 3 दिन से चालू है कंटिन्यू। दमन में भी वही सेम सीन। एक बजे रात को ही बहुत भीड़ है भाई एयरपोर्ट पे। तो चलिए भाई, थैंक यू। मुझे फिलहाल मैं पहुंच चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट भाई, और अपना इंडिगो काउंटर यहाँ पे था और जो अपना फ्लाइट है वो 6:20 की है और हम लोग यहाँ पे 1 बजे रात को आ गए हैं। और ये देखो बाहर मस्त बारिश हो रहा है और अंदर मस्त माहौल किए हुए हैं। फिलहाल अभी जा रहे हैं हम लोग लवली को थोड़ा उधर तक सैर कराने। तो चलना है या सीधे एंट्री करना है? हैं, अच्छा घूमना है तो चलते हैं थोड़ा आगे तक, घूमते हैं फिर अपन उधर जाएँगे। फिलहाल अपने पास सामान थोड़ा भारी था तो ये ट्रॉली यहाँ से हम लोगों ने उठा लिया और अभी मस्त घूम सकते हो इस। यहाँ पे चल रहा है लवली का फोटो सेशन और लवली पोज दे रही है अभी यहाँ पे, क्योंकि सच में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बारिश हो रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। फिलहाल अभी घूमते घूमते 2 बज चुका है और हम लोग फाइनली सोचे हैं कि अभी एंट्री करते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सब लोग एंट्री कर रहे हैं, बहुत लंबा लाइन है इंडिगो के लिए देख सकते हो आप। तो फिलहाल अभी एक नया सिस्टम यहाँ पर आ गया, पता नहीं चल रहा है। पहले सीधा यहाँ से जाओ और गेट में एंट्री होता था वहाँ पर चेक करता था। तो हम लोगों ने ID निकाल लिया है और बाकी देखते हैं। We have received our boarding pass. जा रहे हैं सिक्योरिटी चेकअप के लिए और इसमें गेट नंबर नहीं दिखा रहा है बिकॉज हम लोग बहुत टाइम से बहुत पहले पहुंच गए हैं, इसलिए गेट नंबर नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे अभी सब कुछ निकाल रहा हूँ मैं बैग में। इस बैग में तो कुछ है नहीं, सिर्फ फ्रूट्स और ये सब है तो चलेगा, बस इतना डाल दिया हूँ। सारा सामान यहाँ पे निकालना पड़ रहा है और अभी चलते हैं। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, अभी जस्ट गेट के पास जाने वाले हैं। हमारा सिक्योरिटी चेक, बैगेज वगैरह सब कुछ हो गया, अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे आए हैं। थोड़ा वहाँ पे फोटोशूट वगैरह कर रहे थे, मस्त आई लव मुंबई लिखा हुआ है और ये फाउंटेन है। तो इनका यहाँ पर फ़ोटो लिया, कैसा लगा यहाँ पर फोटो फाउंटेन के पास? यहाँ पर लेने का नहीं कुछ सामान, ठीक है, 2 रुपये का सामान 100 रुपये में मिलता है यहाँ पर। तो फिलहाल चलते हैं अभी अंदर। थोड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी गेट नंबर नहीं मिला है, वहाँ पे जाके थोड़ा पता करना पड़ेगा गेट क्या है। ये गाड़ी कब से मिलने लगा भाई एयरपोर्ट के अंदर? ये देख रहे हैं ब्रांड न्यू गाड़ी। इतने सुंदर सुंदर हनुमान जी, गणेश जी, कृष्ण भगवान, आप इनको झूला झूला रहे हैं। चलिए 6E 762 615 दिल्ली गेट नंबर 15, सो वी हैव टू गो ऑन गेट नंबर 15।
50, 51, 52 इधर है. सो वी हैव रीच्ड लाउंज. पढ़ रहे हैं या सिर्फ पिक्चर देख रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं? बारिश हो रहा है, बाहर देखिए मौसम है, बारिश ही होता है. और मेरा तबीयत ठीक नहीं है आप देख सकते, बट स्टिल आई एम एनर्जेटिक टू मेक ब्लॉग्स. प्लीज बताओ इतना गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. तो फिलहाल एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं भाई, और यहाँ का भीड़ देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गर्मी. गर्मी तो हालत ख़राब कर रहा है, बट मेरे लिए गर्मी सही है, बिकॉज मेरा सर्दी था वो ख़त्म हो गया है. और एक पापा आ रहे हैं तो उनके साथ सीधा गांव निकलेंगे, तो देखते हैं और क्या आपको साथ.